हेलो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो मिले आपको सबसे पहले। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वफादार नेता मीरा कुमार अपने मृदुल और मिलनसार स्वभाव के कारण जानी जाती है। इनके पिता बाबू जगजीवन राम महान स्वतंत्रता सेनानी, दलित राजनीति के पुरोधा और आजीवन सांसद, केंद्रीय मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे थे। मीरा कुमार का परिवार बिहार के भोजपुर जिले के चंदवा गांव का मूल निवासी था। इनका जन्म 31 मार्च 1945 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ। इनकी माता इंद्रानी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। उनका विवाह बिहार के ही भोजपुर जिले के जगदीशपुर अनुमंडल के मसूढ़ी ग्राम के मंजुल कुमार से हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। मीरा कुमार की सास सुमित्रा देवी स्वतंत्रता सेनानी और बिहार की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री थी। वो कई बार बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट से नोखा सीट से विधायक चुनी गई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के वेलहम गर्ल्स स्कूल और जयपुर के महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल से हुई। मीरा कुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी के गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट हैं और मिरांडा हाउस से कानून की पढ़ाई पूरी की है। इसके अलावा उन्होंने स्पेनिश लैंग्वेज में एडवांस डिप्लोमा भी किया है। 1970 में देश की सबसे बड़ी सिविल सेवा पास करने के बाद उन्हें भारतीय विदेश सेवा के लिए चुना गया। मीरा जी ने यूके, मॉरिशस और स्पेन में उच्चायोग के रूप में कार्य किया। इस दौरान वह भारत मॉरिशस ज्वाइंट कमीशन की सदस्य भी रही। मीरा कुमार हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फ्रेंच, स्पेनिश भाषा की अच्छी जानकार है और इन्हें बोलने, लिखने, पढ़ने में जबरदस्त महारत हासिल है। मीरा कुमार राजनीतिक जीवन संघर्ष से ही शुरू हुआ। अपने जीवन का पहला चुनाव इन्होंने 1984 में उत्तर प्रदेश की बिजनौर सीट से लड़ा। वहां मीरा कुमार का सामना दो दिग्गज नेताओं, बसपा की सुप्रीमो मायावती और लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान से हुआ। कांटे की लड़ाई में मीरा कुमार ने दोनों को परास्त किया। 1996 में मीरा कुमार ने देश की राजधानी दिल्ली की करोल बाग सीट से जीत हासिल की। उसके बाद 2004 और 2009 में अपने स्वर्गीय पिता की परंपरागत सीट बिहार के सासाराम से संसद सदस्य निर्वाचित हुई। इस दौरान वह डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री और स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर निर्वाचित हुई। इसके अलावा वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य भी रह चुकी है। 2017 में उन्हें कांग्रेस और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की ओर से देश के शीर्षतम पद राष्ट्रपति चुनाव के लिए उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया, जिस पर 17 अलग अलग राजनीतिक दलों ने समर्थन जताया। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बिहार के निष्पक्ष एवं ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट बिहारी.news को विजिट करें। शुक्रिया।